नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पुनीत चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ पलनी ब्लॉक अनन्य भक्त श्री ललन तिवारी जी के भवन के सामने संपन्न हो रहे सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, जगत को मंगल में बनाने वाले समस्त संत महात्माओं, मधुर भजन गायक कबीर आश्रम वाराणसी से पधारे हुए सरल विनम्र संत श्री राम प्रसाद साहब, साथ में विराजित और सभी संत जौनपुर से आए हुए महात्मा, बलिया से आए हुए हमारे परम भक्त श्री विवेकानंद महाराज जी, सरल नाम है, कबीर साहेब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, सृष्टि में सारा खेल मनुष्य का है, कितना सुंदर मकान हो मनुष्य के बिना सोना रहता है, कितनी कीमती गाड़ी हो मनुष्य के बिना खड़ी रहती है। इस सृष्टि की मनुष्य एक ऐसी रचना है जो इस धरती पर रौनक पैदा करता है, परंतु ये मनुष्य बहुत दुखी रहता है, बहुत चिंतित रहता है। इतना बुद्धिमान होते हुए भी छोटी छोटी आदतों का शिकार हो जाता है, और नाना प्रकार की भ्रम में भी पड़ा रहता है। सज्जनों, मनुष्य हे तो बुद्धिमान, लेकिन अपनी बुद्धि का सदुपयोग बहुत कम कर पाता है। मनुष्य की अधिक से अधिक बुद्धि चिंता में, उलझन में, दुख में, टेंशन में खर्च हो जाती है।
बड़े बड़े धनपति, उद्योगपति, राष्ट्रपति, फैक्ट्री मालिक, इस दुनिया में धन तो कमा लिए लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत प्रसन्नता खो गई, खुशियां खो गईं, आनंद लुट गया। कभी कभी वे लोग कहते हैं कि इससे तो बचपन ज्यादा बेहतर था, नाहक जवान हो गए, ये बड़े होना बड़ा महंगा पड़ गया। आप मनुष्य के चेहरे को गौर से देखिए, मनुष्य के चेहरे पर निराशा की रेखाएं हैं, दुख की झलक है, टेंशन का दर्शन है, पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है। और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी से, युग युगांतर से क्रमशः मनुष्य झेलता चला आया है। तो कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया, क्या इस पीड़ा से पार होने का कोई तरीका है? तो कबीर साहब कहते हैं, एक ही उत्तर है, करो विचार जो सब दुख जाए, परिहरि झूठा केर सगाई। साहब कहते हैं विचार करो, विचारवान बनो तो सब दुख जा सकता है। आज का आदमी बुद्धिमान तो है लेकिन विचारवान नहीं है। जैसे रावण बहुत बुद्धिमान था परंतु बिना विचार के काम करता था, इसलिए रावण के जीवन में बहुत दुख आ गए। बुद्धि के ऊपर विचार की शक्ति है, विवेक की शक्ति है। विचारवान बनो, थोड़ी देर में इस पंक्ति की व्याख्या मैं करूंगा। दूसरा एक प्रसंग और आपकी लाइन में डाल देना है। जिस समय महात्मा विदुर एकांत में तप कर रहे थे, तप का क्या अर्थ होता है, कितने लोग सोचते हैं कि जंगल में जाऊं, वहां ध्यान लगाऊं भगवान का, तपस्या करूं, भूखा रहूं, प्यासा रहूं, नंगा रहूं, घाड़ा रहूं, भगवान खुश होगा, दर्शन देगा। लेकिन जंगल में तपस्या नहीं होती है, ये संसार एक जंगल है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है, तप क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तीन प्रकार का तप होता है, तन का तप, मन का तप, वाणी का तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपः उच्यते। ये शरीर का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम च यत सत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपः उच्यते। ये वाणी का तप,
मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्वम संशुद्धि रित्यतपो मान समुच्यते, ये मन का तप है। किसी पहाड़ पर बैठकर तप नहीं होता है। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि तप की परिभाषा क्या है। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, जिनके सिर में बहुत बड़ी चोटी लगी हुई है। चोटी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब तो लोगों की चोटी भी खत्म, मूछें भी खत्म, दाढ़ी भी खत्म। स्त्री और पुरुष को चेहरे से पहचानने में भ्रम हो सकता है। स्त्रियों के सिर में पूरा चोटी रहती है, चोटी चाणक्य के चोटी लगी थी। उच्च कोटि का विद्वान चाणक्य, चाणक्य कहते हैं शांतुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। जिसके मन में शांति नहीं है वो पहाड़ पर बैठे तो भी व्यर्थ है बैठना। तुम सोचोगे ये तप कर रहा है, वो गप कर रहा है, वहां तप कहाँ है। अभी मध्य प्रदेश के एक सज्जन मुझे मिले 6 महीने पहले, कह रहे थे मैं अपनी पूरी फैमिली को बैजनाथ धाम, केदारनाथ, रामेश्वरम नाथ, कैलाश मानसरोवर सब दर्शन करा दिया। कैलाश में इतनी ठंडी है प्रभु कि खून ठंडा हो गया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे परिवार वालों का दिमाग ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कैलाश पर्वत की शीतलता में भी गुस्सा ही किया, क्रोध किया, नाराज हुए, आपस में उलझ गए, तो कैलाश पर्वत पर भी समझाना पड़ा। तो वहां जाने से क्या फायदा हुआ? तो हमने कहा किसको सुना रहे हो, तुम ही गए थे। बोले आपसे कह रहा हूं कि आप बताओ क्या फायदा हुआ। हमने कहा तुम्हें कुछ फायदा हुआ? बोले मेरे तो 10-50 हजार बर्बाद हो गए, बाकी मेरे परिवार के लोगों का दिमाग ठंडा नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि वहां चले जाएंगे, शांति आ जाए। खून ठंडा हो सकता है, हड्डी तुम्हारी ठंडी हो सकती है, शरीर ठंडा हो जाएगा, लेकिन मन बाहरी वातावरण से ठंडा नहीं होता है। मन को अगर कोई ठंडा कर सकता है तो केवल वह सत्संग है जहां जाकर मन ठंडा हो। अन्यथा ये मन ईर्ष्या की आग में, जहां आइसक्रीम गिर रही है कुल्लू मनाली रोहितांग में, मणिकर्ण में, वहां भी ईर्ष्या की आग में जलता रहता है, क्रोध की ज्वाला में जलता रहता है। थोड़ा विवेक और विचार करके सोचना, महात्मा विदुर को महाराजा धीराज धृतराष्ट्र याद कर रहे हैं। मनुष्य के मन में जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तो इस धरती पर उसका दुख दूर करने वाला यदि कोई है तो कोई महान आत्मा आती है अपने ज्ञान के द्वारा, कृपा के द्वारा तुम्हारे दुख को दूर कर देती है।
इसलिए आजकल आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि लोग महान आत्माओं को ढूंढ नहीं पाते। उनके भीतर छुपा हुआ अहंकार महान आत्मा को ढूंढने नहीं देता है। एक समय वो था, मनुष्य के गेट पर लिखा रहता था, अतिथि देवो भव, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आज की तारीख में मनुष्य अपने गेट पर बोर्ड लिखकर लगाता है कि खतरनाक कुत्तों से सावधान रहना, अतिथि के स्वागत के लिए खतरनाक कुत्ते पाल रखे, तुम जाओ तो तुम्हारी कुत्ता काट ले, स्वागत हो गया। अतिथि का सत्कार, कुछ अतिथि लोगों ने भी बहुत मेजबान को व्यथित कर दिया है, गलत गलत लोग अतिथि का रूप लेकर आ गए और घर मालिक को धोखा देकर चले गए। कुछ नकली साधुओं ने संत जैसे वस्त्र पहन करके समाज को धोखा दिया, जिससे असली साधुओं के ऊपर संदेह होने लगा। पारख की आवश्यकता है, परखने की दृष्टि चाहिए। अगर नकली के चक्कर में असली को भी छोड़ दोगे तो समस्या और गहरी हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य जाति को संस्कार देने वाला केवल संत और उसका सत्संग है। अगर नकली के डर से असली को भी छोड़ दिया तो संस्कार विहीन मनुष्य समाज इस धरती को नरक बनाएगा और अपने जीवन को भ्रष्ट करके बहुत दुख पाएगा। संस्कार की शुद्धि होती है, और जिसके संस्कार शुद्ध हो जाए उसका संसार शुद्ध हो जाता है। संसार शुद्ध, सनातन धर्म का अर्थ है कि संस्कारवान लोग हो। मैं सनातन धर्म की बहुत रक्षा कर रहा हूं, इसके लिए मैंने जीवन दान दिया है, ये मेरा जीवन दान है, मेरे साथ में जितने संत इनका भी जीवन दान है। ये सब अब इनका कुल कुटुंब परिवार से कोई संबंध नहीं, गुरु शिष्य मिलकर के एक लक्ष्य है कि स्वयं अच्छे बनो और अच्छे समाज का निर्माण करो, ये लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। स्वयं अच्छे बनना और अच्छे समाज का निर्माण करना, स्वयं बीड़ी मत पियो, दूसरे को भी पीना मना करो, स्वयं नियम संयम से रहो, दूसरों को भी नियम संयम सिखाओ, पहले उस पथ पर स्वयं चलो उसके बाद सबको बताओ, ऐसा जीवन। और त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य का जीवन है, शादी विवाह पत्नी बच्चे इनसे भी सारा जीवन मुक्त हो गया। सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए मैं कहता हूं धर्म की रक्षा के लिए, समाज को संस्कार प्रदान करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अगर आपके बेटे में आपके भाई में ऐसी योग्यता हो तो इस समाज को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन का समय दान करें। कुछ लोग कहते हैं घर में गरीबी थी इसलिए साधु हो गए, खाने को था नहीं तो क्या करें, फिर जुगाड़ बिठाया महात्मा हो गए, खाते पीते घूम रहे। तो मैं उनसे कहता हूं तुम क्यों चूक रहे हो, तुम भी आ जाओ, फायदा उठाओ। जब जुगाड़ से ही काम चलता है,
उनको ये पता नहीं है कि इनके घर में गरीबी थी कि अमीरी थी। जो कहते हैं शायद उनसे 10 गुना ज़्यादा संपत्ति भी थी। महात्मा बुद्ध तो स्वयं राजा थे, विश्वामित्र जी स्वयं राजा थे, गोपीनाथ स्वयं राजा थे, भर्तृहरि जी राजा थे। ये राजा लोगों ने भी राज काज त्याग करके संन्यास लेकर के इस समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया। ये गरीबी से कोई साधु नहीं होता है। बहुत से भिखारियों से मैंने कहा तुम साधु बन जाओ, केवल इतना ही काम करना, मेरा दरवाजा खोलना बंद करना, दूध मिलेगा, फल मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, दक्षिणा भी दूंगा। बोले नहीं हो सकते हैं, सब मिलेगा लेकिन शाम को दारू नहीं मिलेगी। क्या बात है, ये संत जीवन। भोगों का त्याग, जिन दुनिया के नाशवान भोगों के पीछे, गंदे भोगों के पीछे मनुष्य अपने जीवन का विनाश कर लेता है, जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, उन भोगों को तृण के समान त्याग करके स्वयं के जीवन को वैराग्य में बनाकर संसार को संदेश देना कोई महान संत का ही काम होता है। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। लेकिन दुर्भाग्य है कोई इसका प्रबंधन नहीं है, इसमें नकली साधु भी घुस जाते हैं और वे ऐसे काम करते हैं कि एक मछली तालाब में मर जाती है, पूरे तालाब से बदबू आने लगती है। परंतु मैं कहूंगा उनको परखने की कोशिश करना और संते सच्चे संतों से प्रेम रखना और उनके नियमों के अनुसार उनके साथ रहना, उनके नियम को भंग ना करना। तो महात्मा विदुर को महाराजा धीराज धृतराष्ट्र याद करते हैं। और याद करके इंतजार करते हैं। विदुर जी राजभवन में प्रवेश करते हैं। आज की तारीख में किसी राजभवन में संत का प्रवेश होना कठिन है। वहां कुछ और लोग ही प्रवेश पाते हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, विदुर जी मैं बहुत दुखी हूं। धृतराष्ट्र जैसा महाराजा 100 पुत्रों का पिता है और स्वयं महाराजा है और बहुत दुखी है। क्या बात है, जिसके एक पुत्र नहीं है वो भी दुखी है कि कोई एक पुत्र हो जाता, और जिसके 100 पुत्र हो चुके वो भी दुखी है। क्या पुत्र में सुख है? अगर सुख होता तो धृतराष्ट्र को 100 गुना सुख मिल जाता, राजा सगर को 60,000 गुना सुख मिल जाता। पुत्र से सुख नहीं मिलता है, पुत्र केवल तुम्हारा वारिसदार होता है, पुत्र तुम्हारी संपत्ति का अधिकारी बनता है। अगर उसको संस्कार मिल गए तो बुढ़ापे में पानी देता है, अन्यथा तुम्हारा मुंह नहीं देखता है। ये दशा होती। लखनऊ के DIG की मृत्यु हुई आज के 15 वर्ष पहले, उनके दोनों पुत्र उनको दफन करने नहीं आए। 2 ही पुत्र थे, मुझे सूचना मिली दोनों नहीं आए। दोनों पुत्रों से मेरा मिलन हुआ, मैंने कहा तुम लोग बड़े निष्ठुर हो, कम से कम मरी लाश पिताजी की दफन तो कर देते। बोले जिंदा में संबंध नहीं था तो मुर्दा में क्या संबंध है। उन पुत्रों ने बताया
पुत्र के रूप में पुत्र बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अधिकतर लोगों के घरों में कभी कभी शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेती है और माता पिता को बचपन से सताती है, बचपन से बीमार रहा करती है। थोड़ा बड़ा होता है तो कहना नहीं मानता है, उल्टा पलटा काम करता है। जगाओ तो सोता है, सुलाओ तो जागता है, टीवी जोर जोर चलाता है, मोबाइल में बहुत गाने सुनता है, मना करो तो मर जाने की धमकी देता है, ना मना करो तो नरक बना के रहता है। ऐसी बीमारी उसको आती है, सभी डॉक्टरों के पास घुमाते रहो, न बीमारी जाती है न बीमार जाता है। डॉक्टर खुश होते हैं कि ऐसा ही मरीज चाहिए। यह शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर जन्म ले चुकी है तुम्हें दुख देने के। जवान होता है, ऐसी ऐसी गलतियां करता है तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हो और फिर तुमको मारता भी है, लड़ता है, झगड़ता है, तो समझ लेना कोई शत्रु की आत्मा पुत्र बन करके कर्म का बदला लेने के लिए आई है। कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र बनकर जन्म ले लेती है। कुछ भाई भाई का लेन देन बाकी रह गया था, इसलिए मैं कहूँगा भाई के साथ भी दुर्व्यवहार मत करना। अगर भाई मर भी गया तो फिर उसकी आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र का रूप लेकर जन्म लेगी और सारे कर्मों का लेन देन फाइनल करेगी। जब भाई की आत्मा पुत्र का जन्म लेकर आपके घर में आती है तो वह पुत्र आपके साथ में पुत्र जैसा नहीं रहता है, वो भाई जैसा व्यवहार करता है, कंधे में कंधा मिलाकर चलता है और तुमसे कहता है जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा दूंगा, चिंता मत करना। तो समझ लेना ये पुत्र की आत्मा नहीं आई है, ये भाई की आत्मा पुत्र बन करके अपने कर्मों का लेन देन फाइनल करने आई है। इसलिए वो कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म लेती है, तब वो पुत्र तुमको आदेश देता है, पिताजी तुम बाजार जाओ, ये काम करो, वहां से आना खेत चले जाना, और खेत से आना तो निमंत्रण देने चले जाना, और फिर मुझसे पूछना तो कल के लिए काम और बताऊंगा। तो तुम कभी कभी तंग हो जाते हो, कहते हो तू मेरा क्या बाप है जो मेरे को काम बताएगा, वो बाप ही आया है। बाप की आत्मा पुत्र का रूप लेकर जन्म लेती है और कभी कभी पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा आकर पैदा होती है। उसकी पहचान है, वो बचपन से विनम्र होगा, तुम्हारे पैर छुएगा और कहेगा पिताजी चिंता मत करना, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सब काम करूंगा, और धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाएगा, सत्संग में जाएगा, तुम्हारे दुख सुख का ख्याल करेगा, तुम्हारी परिस्थिति को पहचानेगा कि हमारे पिता के पास ज़्यादा धन नहीं है इसलिए फिजूल खर्ची ना करो, और तुम्हारे दुख में हाथ बटाएगा, खुशियों में खुश होगा। वो बालक चाहेगा कि मेरे माता पिता को दुख ना हो, इनका दुख भी मुझको मिल जाए, ऐसी संतान का जन्म हो जाए। तो समझ लेना
पुत्र के रूप में ही पुत्र की आत्मा आकर पैदा हुई है और अब इससे हमको दुख नहीं मिलेगा।